नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। 22,842 करोड़ के बैंक घोटाले में सीबीआई का एक्शन जारी है। इस मामले में अब सीबीआई एबीजी शिपयार्ड के पूर्व चेयरमैन और एमडी रहे ऋषि अग्रवाल को पूछताछ के लिए दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर लेकर पहुंची है, जहां उनसे इस मामले में कड़ी पूछताछ की जाएगी, जिससे कि इस घोटाले के तार किस किस से जुड़े हैं ये पता चल सके। हालांकि इससे पहले भी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की थी। ऋषि अग्रवाल पर 28 बैंकों के साथ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ 7 फरवरी को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ऋषि अग्रवाल शशि रुइया और रवि रुइया के भांजे हैं। रुइया बंधु एसआर ग्रुप के मालिक हैं। ऋषि अग्रवाल पर क्या है आरोप? एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड फर्म रही है। कंपनी 16 साल में 165 से ज्यादा जहाज बना चुकी है, जिसमें से 45 दूसरे देशों के लिए बनाए हैं। ये नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए भी जहाज बना चुकी है। कंपनी के सूरज शिपयार्ड में 18,000 डेड वेट टन और दाहेज शिपयार्ड में 1,20,000 डेड वेट टन की क्षमता है। ऋषि अग्रवाल पर कारोबार के नाम पर कर्ज लेकर उसका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। सीबीआई ने ऋषि अग्रवाल के अलावा कंपनी के एमडी संतान मुथु स्वामी और 3 डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमन निवेतिया के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के केस दर्ज किए हैं। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड पर 28 बैंकों से करीब 23,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। इनमें 7,089 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक, 3,634 करोड़ आईडीबीआई बैंक, 2,925 करोड़ एसबीआई, 1,614 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा, 1,244 करोड़ पीएनबी और 1,228 करोड़ इंडियन ओवरसीज के बकाया हैं, यानी इन 6 बैंकों के ही 17,734 करोड़ रुपए बकाया हैं। इनके अलावा 22 और बैंकों के 5,108 करोड़ रुपए बकाया हैं। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का आज सोमवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 50 वर्षीय मेकापति गौतम रेड्डी राज्य के लिए निवेश लाने के लिए दुबई गए थे और रविवार को ही हैदराबाद लौटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड्डी ने आज सुबह ही सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी की हालत में जुबली हिल्स अपोलो अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। वहीं मंत्री के आकस्मिक निधन से राज्य की जनता सदमे में है। मंत्री के निधन पर आंध्र प्रदेश के सीएम से लेकर अन्य मंत्रियों ने शोक व्यक्त किया है। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटी और एक बेटा है। मेकापति गौतम रेड्डी के निधन पर अस्पताल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रेड्डी को अस्पताल सुबह 7:45 पर लाया गया था और वो उस समय सांस नहीं ले रहे थे। उन्हें इमरजेंसी वार्ड में तत्काल सीपीआर और कार्डियक लाइफ सपोर्ट दिया गया। आपातकालीन चिकित्सा टीम, कार्डियोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर डॉक्टरों सहित विशेषज्ञों ने उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें की। करीब 1.5 घंटे तक उनको सीपीआर दिया गया। उन्हें सुबह 9:16 पर मृत घोषित किया गया। बता दें कि 50 वर्षीय गौतम नियमित रूप से व्यायाम किया करते थे और उनका अच्छा स्वास्थ्य भी था। इसके बावजूद उनके अचानक निधन से हर कोई हैरानी जता रहा है। गौरतलब है कि वो पहली बार 2014 में अपने पैतृक एसपीएस नेल्लोर जिले के आत्मकुरु निर्वाचन क्षेत्र से एपी विधानसभा के लिए चुने गए थे। वो 2019 में फिर से चुने गए और पहली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के मंत्री बने। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब को लेकर चल रहा विवाद देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया है। ये बहस शुरू हो गई है कि सभी जगह स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। इसी बीच कर्नाटक में हिजाब विवाद पर एक बार फिर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ,
मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। आइए आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं जिसमें ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? दरअसल ये वीडियो खुद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट की है। इस वीडियो में वो टोपी, दाढ़ी और हिजाब की बातें करते सुनाई दे रहे हैं। अपने इस ट्वीट में ओवैसी ने कैप्शन में लिखा है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं टोपी भी पहनूंगा और दाढ़ी भी रखूंगा और मेरी बेटी भी हिजाब पहनेगी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो कब का और कहां का है, लेकिन इसे कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद से जोड़ा जा रहा है। दरअसल देश में हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक के उडुपी की एक यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था और अब हिजाब का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिजाब के समर्थन और विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। भारतीय सेना का सुपर हीरो वाला अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारतीय सेना सिर्फ बॉर्डर पर ही देश की सुरक्षा नहीं करती, ये हर मुसीबत में देशवासियों की मदद करती है। इसका ताजा उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिला है। 300 फीट गहरी खाई में चट्टानों के बीच मौत से लड़ रहा था 19 साल का युवक और वहां देवदूत बनकर पहुंची इंडियन एयरफोर्स। सबसे पहले देखिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वायरल वीडियो। दरअसल बेंगलुरु में नंदी हिल पर घूमने गया 19 साल का लड़का ट्रैकिंग करने गया था। वहां पर उसका पैर फिसला और वो ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गया। लड़का करीब एक खड़ी चट्टान के बीच फंसा हुआ था। उसके नीचे गहरी खाई थी जहां गिरने का मतलब बचना मुश्किल था। मौत धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसी समय भारतीय जवान उसकी जिंदगी बचाने पहुंचे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के साथ चिकबल्लापुर पुलिस भी शामिल रही, जिसकी मदद से उस लड़के को बचा लिया गया। बता दें कि जिस जगह पर वो लड़का फंसा था हेलीकॉप्टर की, वहां लैंडिंग काफी मुश्किल थी। इस वजह से एयरफोर्स ने तब MI-17 के फ्लाइट गनर को चरखी के जरिए ट्रैकर के पास तक पहुँचाया और फ्लाइट रनर ने समय रहते उस लड़के को ऊपर उठा लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे 5 घंटे लगे और इस तरह से युवक की जिंदगी बचा ली गई। युवक की जान बच जाने पर उसके परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन के साथ ही एयरफोर्स का भी आभार जताया है। इस बचाव अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब सराहना कर रहे हैं। कोरोना की रफ्तार दिनों दिन कम होती जा रही है। आज एक बार फिर कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, डेली मामले 51 दिनों बाद 20,000 से कम है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी कम है। पिछले 24 घंटे में 16,051 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,28,38,524 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 206 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हो गई।
मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 5,12,109 पर पहुंच गया है। देश की रिकवरी रेट 98.33% है। डेली पॉजिटिविटी रेट दर 1.68% है। वहीं इस दौरान कोरोना के 37,901 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,21,24,284 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस 2,02,131 हैं। एक्टिव केसों में लगातार 27वें दिन गिरावट आई है। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी काफी ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 7,07,006 खुराकें लगाई गई और अब तक वैक्सीन की कुल 175,46,25,710 डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 8,31,087 टेस्ट किए गए हैं और अब तक देश में लगभग 76,01,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस केरल से ही सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में केरल में 5,427 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है और यहां 92 मरीजों की कोरोना महामारी के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,437 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है और 3,375 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या 16,422 है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,001 नए मामले सामने आए हैं और 18 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 1,780 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। कुल एक्टिव मामलों की संख्या यहां पर 12,634 है और अब तक कुल 39,795 मरीजों की यहां मौत हुई है। वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 570 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 मरीजों की मौत हुई है और एक दिन में 730 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मामले 2,545 हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1.04% है। ऐसे में कहा जा सकता है कि धीरे धीरे ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सतर्क रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।